हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच एक्सपोज्ड वुड विल डीके फास्टर। ऑप्शंस आर सैपवुड, वुड विद लॉट ऑफ फाइबर्स, सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड। सो द की कंसेप्ट हियर इज एक्सपोज्ड वुड। और वुड क्या होती है? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम डेवलप होती है इन दी ओल्डर ट्रीज। इसमें जो सेकेंडरी जाइलम का आउटर पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं पेरिफेरी वाला पार्ट, उसको कहते हैं सैपवुड। और जो इसका सेंट्रल वाला पार्ट होगा उसे कहते हैं ड्यूरामन या फिर हार्टवुड। जो सैपवुड है उसका मेन काम है कंडक्शन का, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ये बहुत ही ससेप्टिबल होती है टू दी माइक्रोबियल एक्टिविटी। जबकि जो ये ड्यूरामेन है ये नॉन फंक्शनल होता है, यानी ये कंडक्शन का काम नहीं करेगा। और ये रेजिस्टेंट होता है टू दी माइक्रोबियल एक्टिविटी। इसलिए हम कहते हैं कि ये ड्यूरेबल होता है, यानी ये वुड जो है ज्यादा टाइम के लिए यूज की जा सकती है। अब अगर बोला जाए कि इसको ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड किसने करी है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उनकी डिपोजिशन हो जाती है जैसे कि टैनिंस, रेजिन्स एक्सेट्रा, और यही इसे रेजिस्टेंट बनाते हैं टू दी माइक्रोबियल एक्टिविटी। प्लस ये इसे डार्क कलर भी प्रोवाइड करते हैं। सो क्वेश्चन में पूछा है विच एक्सपोज्ड वुड विल डीके फास्टर। फर्स्ट ऑप्शन है सैपवुड। सैपवुड जो है वो बहुत ही ससेप्टिबल होता है टू दी माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ससेप्टिबल है तो अल्टीमेटली ये बहुत ही जल्दी फास्टर जो है ये डीके कर जाएगा। सेकेंड है वुड विद लॉट ऑफ फाइबर्स, तो फाइबर्स डेड होते हैं तो ये भी जो है ये इतनी जल्दी डीके नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज दी सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड जो है इसे नॉन पोरस वुड भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट होती है इन दी जिम्नोस्पर्म्स। इसे यूज किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, यानी इसका मतलब यही हुआ कि ये रेजिस्टेंट होती है टू द इंसेक्ट अटैक, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट है हार्डवुड। तो हार्डवुड जो है ये बहुत ही रेजिस्टेंट होती है टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही ड्यूरेबल है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन ए, सैपवुड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।